डेटा टाइप अगर आपको पता करना है पाइथन में तो कैसे पता करेंगे? जैसे बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं, इंट होता है, फ्लोट होता है, ठीक है, लिस्ट होता है, टपल होता है, तो कैसे पता करेंगे डेटा टाइप? डिक्शनरी होता है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो पाइथन को ओपन करना होगा, तो यहाँ पर पाइथन मैंने ओपन करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर हमको इसको सेव भी किया है ii.py के नाम से। यहाँ पर हमको पता करना है डेटा टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली हम लिखते हैं प्रिंट, ठीक है, ये प्रिंट लिख दिया। और डेटा टाइप पता करने के लिए आपको टाइप यहां लिखना पड़ेगा, type टाइप लिख दिया, ब्रैकेट को ओपन कर दिया, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहां पर हमको पता करना है, जैसे हमने आपको बताया था कि जब भी स्क्वायर ब्रैकेट की बात आएगी तो वो किस में आएगा, कौन से डेटा टाइप में? कॉपी खोल के देखो, लिस्ट डेटा टाइप। तो यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करो, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दो, ठीक है, और इसको ऐसे बंद कर दो, ठीक है, बंद कर दिया। क्योंकि दो ब्रैकेट ओपन हुए थे, एक तो ये वाला ओपन हुआ था और एक तो ये वाला, तो दो ब्रैकेट हमने क्लोज भी कर दिया। अब इसको सेव कर दो, कुछ इस तरीके से सेव कर दो, और अब इसको रन करवाते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है। तो देखो यहां पे आंसर क्या दे रहा है, क्लास कौन सा है, ये लिस्ट क्लास आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट ही पहचान है किसकी, लिस्ट डेटा टाइप की, ठीक है। अब मान लो लिस्ट डेटा टाइप के बजाय यहां पर कुछ और हो जाए, जैसे मान लो ये हो गया कुछ इस तरीके से, ये देखो ये है ना। अब यहां पर मैं कर्ली ब्रेसेस ओपन करता हूं, कर्ली ब्रेसेस क्लोज करता हूं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये कर्ली ब्रेसेस है, दिख रहा है ना, कर्ली ब्रेसेस किसकी पहचान होती है, हाँ, डिक्शनरी डेटा टाइप की, ठीक है। तो यहां पर जैसे ही हम आएंगे तो यहां देखिए डिक्ट डेटा टाइप है, डिक्ट, इसे हम डिक्ट बोलते हैं, डिक्ट डेटा टाइप, ठीक है। कौन सा डेटा टाइप, डिक्ट डेटा टाइप, ठीक है। तो ये डिक्ट डेटा टाइप हो गया। इसी तरह से टपल होता है, टपल, ठीक है। तो टपल कैसे पहचानेंगे टपल डेटा टाइप को, तो टपल के लिए हम सिंपली स्मॉल ब्रैकेट बनाते हैं, स्मॉल ब्रैकेट ओपन किया, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये टपल डेटा टाइप की पहचान होगी। इसको एक बार सेव कर लेते हैं, फिर यहां से रन करवा देते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहां पे देखो कि टपल लिखा हुआ आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से एक एक डेटा टाइप की आसानी के साथ पहचान कर सकते हैं आप, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर मान लीजिए कि यहां पर कोई मैं वेरिएबल बनाता हूं, जैसे सपोज कीजिए यहां पर एक वेरिएबल बना लेता हूं इंट टाइप का, ठीक है। तो इंट यहां पे कर दिया हमने, ऐसे कर देते हैं a इज इक्वल टू इंट, ठीक है। और इंट टाइप का डेटा टाइप हमने लिया है, और यहां पर अब मैं क्या करता हूं, ये जो ब्रैकेट है इसको क्लोज कर देता हूं, ठीक है। इंट डेटा टाइप बना लिया हमने, बना लिया ना। अब अगर हम यहां पे टाइप में आते हैं और यहां पर a का टाइप हम पता करने की कोशिश करते हैं यहां पर, ठीक है। तो यहां पर लिखा मैंने a, अब देखो यहां पर दो ब्रैकेट क्लोज होंगे, ये हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ये a लिख दिया हमने, अब देखते हैं इसको क्या होता है, ये रन करता है या नहीं। तो ये देखो यहां पर कौन सा डेटा टाइप आ रहा है, इंट आ रहा है, आ रहा है ना, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, ये इंट डेटा टाइप है, ठीक है। अगर मैं इसको यहां पर डिफाइन कर देता हूं फ्लोट टाइप का, ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं float, ठीक है। तो ये फ्लोट बताएगा हमको, तो यहां पर पहले इसको सेव कर लेते हैं इस तरीके से, और यहां पर जाकर के इसको, तो ये देखो ये फ्लोट डेटा टाइप बताएगा। ये तो हमने लिख दिया है, लेकिन लिखा ना हो तब कैसे पता करें। तो यहां पर देखो इसको हटा देते हैं, यहां पर एक वैल्यू रख देते हैं, जैसे मान लो यहां पर रख दिया हमने 6, तो 6 होल नंबर है ना, 6 तो पूर्ण नंबर है, पूरा नंबर है, ऐसा तो है नहीं कि इसमें कोई पॉइंट लगा हुआ है। तो अब इसको सेव कर दो यहां से, ठीक है। तो ये देखो ये हो गया। अब हम किसका डेटा टाइप जानना चाहते हैं, ए का, ठीक है। तो ए में क्या रखा हुआ है, 6 रखा हुआ है, तो अभी बता देगा ये कि ए का डेटा टाइप क्या है। तो देखो ना ये बता रहा है इंट डेटा टाइप, ठीक है, क्योंकि ये होल नंबर है। इंटीजर में या तो प्लस वाली वैल्यू आएगी या तो माइनस वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। अभी मान लो यहां पर मैं हटा देता हूं इसको, यहां पर कर देता हूं -10, तो कौन सा डेटा टाइप देगा ये, बोलो, इंट डेटा टाइप देगा। तो यहां पे ये हो जाएगा इंट डेटा टाइप, देखो इंट आ रहा है कि नहीं, आ गया ना, बताने की जरूरत नहीं, ये खुद ही बता देगा इंट डेटा टाइप है कि नहीं। अब अगर इसी को मान लो कि हम दशमलव में लिख देते हैं, जैसे मान लो यहां पर लिख दिया मैंने 10.10, यहां पर लिख दिया 8, तो अभी ये पॉइंट में हो गया, तो पॉइंट में जब होगा तो कौन सा डेटा टाइप होगा, ये फ्लोट हो जाएगा, अपने आप फ्लोट हो जाएगा। तो इसको सेव कर दो, फिर यहां से रन करवा दो, ऐसे रन करवाओगे देखो ये फ्लोट डेटा टाइप दे रहा है, ठीक है। तो सारा डेटा टाइप समझ में आया, पता करने के लिए आप किसका यूज करेंगे, टाइप का, ठीक है, क्लियर है ना। एक एक चीज, नेम लिखे स्ट्रिंग डेटा टाइप, तो ये देखो यहां पे ए लिया मैंने, और यहां पे नाम लिख देते हैं SURAJ, ठीक है, ये लिख दिया। अब ए को प्रिंट करवाते हैं, ठीक है, ये देखो ये इसको सेव कर दिया।
अब यहां पे आए, रन करवाया, तो यहां पे str डेटा टाइप आ रहा है, क्लियर है ना। तो टाइप से हमें डेटा टाइप का पता चल जाएगा, क्लियर। ओके okay.